हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। और आप ही में से किसी का ये सवाल था कि सर, AIB एग्ज़ाम देना किसके लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि AIB एग्ज़ाम सब कोई दे सकता है, यानी कि सबके लिए ज़रूरी है जो LLB पास हैं। तो आज के वीडियो में इसी सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें AIB एग्ज़ाम की, तो AIB एग्ज़ाम जो है सभी लॉ ग्रेजुएट के लिए पास करना अनिवार्य नहीं है। अब ये बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं क्यों AIB एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम AIB, यानी कि AIB एग्ज़ाम से किसको छूट है। तो यहाँ पे देखिए, लॉ ग्रेजुएट्स हु हैव पास्ड द 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB डिग्री बिफोर 2009 एंड 10 डू नॉट नीड टू टेक द AIB एग्ज़ाम। दीज कैंडिडेट्स कैन दस प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया विदाउट द COP। दोज हु ग्रेजुएटेड इन 2008 आर अर्लियर एंड इनरोल्ड आफ्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर ऑफ इनरोलमेंट आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्राम AIB। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है बिफोर 2009 से 10, यानी 2009 और 10 के पहले जिनका भी LLB डिग्री कंप्लीट है, चाहे वो 5 ईयर वाले हों चाहे वो 3 ईयर वाले हों, तो 2010 के पहले जो भी LLB डिग्री पास जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं AIB एग्ज़ाम से, यानी कि उनको छूट है AIB एग्ज़ाम को देने से। और वो जो है विदाउट COP, बिना COP के ही प्रैक्टिस कर सकते हैं भारत में। तो ऐसे ला स्टूडेंट्स जो 2010 के पहले LLB पास आउट हैं, उनको AIB एग्ज़ाम से छूट है, यानी कि उनको AIB एग्ज़ाम नहीं देना है। तो हो सकता है आपको जो भी मैं बातें इस वीडियो में बताया हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं और उसका प्रॉपर मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।